Next example regarding binary representation of any variables. In that case, we are declaring three variables, variable x, y, z, regarding 16-bit C compiler, assuming all required header files included already. Means we are not repeating header files, we are simply writing just main functions. इस केस में देखा जा रहा है सिंपली थ्री वेरिएबल्स डिफाइन हुए, वेरिएबल एक्स वाई और जेड. जैसे एग्जीक्यूशन कंट्रोल ब्लॉक में एंटर हुआ एंड थ्री लोकल वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू स्टैक मेमोरी, वेरिएबल एक्स, वेरिएबल वाई, वेरिएबल जेड, लाइक दैट. एक्स वाई जेड का डेटा टाइप इंटीजर फाउंड हो रहा है, सभी वेरिएबल्स का डेटा टाइप क्या है, एग्जैक्टली इंटीजर. इसलिए दोनों ही ऑल वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में टोटल कितने बाइट्स एलोकेट हुए, देयर आर टू बाइट्स फॉर एक्स, टू बाइट्स फॉर वाई, टू बाइट्स फॉर जेड. वन बाइट फर्स्ट बाइट, सेकेंड बाइट, वन बाइट प्लस टू बाइट्स, देयर इज टोटल साइज. नेक्स्ट वन, इन फर्स्ट केस वी आर असाइनिंग हियर एक्स इक्वल्स टू माइनस वन. एज वी नो व्हाट इज द बाइनरी नंबर ऑफ माइनस वन, मीन्स जब माइनस वन एक्स में असाइन करेंगे तो एक्स के पास टोटल बिट्स कितने हैं, 16 बिट्स. सबसे पहले रिक्वायर्ड क्या हुआ, बाइनरी नंबर ऑफ माइनस वन. एज वी नो बाइनरी नंबर ऑफ माइनस वन इज ऑलवेज ऑल टाइम्स वन, मीन्स माइनस वन का बाइनरी नंबर चाहे 16 बिट्स में काउंट करें या 32 बिट्स में, एवरी टाइम इसका बाइनरी क्या आएगा, ऑल टाइम्स वन. लाइक दैट माइनस वन इज इक्वेलेंट टू वंस टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्लस वन. प्लस वन के रिस्पेक्ट में 16 बिट्स में इसका बाइनरी नंबर राइट करेंगे, लाइक इज द बाइनरी नंबर ऑफ वन इन द फॉर्म ऑफ 16 बिट्स. मीन 16 बिट्स में इसका बाइनरी नंबर कैलकुलेट क्यों करा, क्योंकि एक्स वाई जेड के पास अवेलेबल बिट्स कितने, 16 बिट्स. इसलिए ऑपरेशन भी 16 बिट्स के फॉर्म में अप्लाई होंगे. ये सभी जस्ट वन का बाइनरी नंबर राइट किया, देन नेक्स्ट केस में रिक्वायर्ड क्या हुआ, वन का बाइनरी नंबर जब टूज कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करें तो इक्वेलेंट किसके हो, माइनस वन की. तो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या है इसका, 15 टाइम्स वन, दिस द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ वन. इसमें ऐड कराएंगे एज अ वन, बिकॉज टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी नंबर इज इक्वेलेंट टू वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस वन. जीरो प्लस वन इज वन, वन प्लस जीरो इज वन, ऑल टाइम्स वन. दिस इज द बाइनरी नंबर ऑफ माइनस वन और टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्लस वन. मीन जब इस बाइनरी नंबर को कॉपी करेंगे इनसाइड वेरिएबल एक्स 16 टाइम्स वन. एज वी नो सी लैंग्वेज के अंदर कोई भी इंटीजर रिप्रेजेंट करने के टू अप्रोच होंगे, आइदर साइंड रिप्रेजेंटेशन और अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन. मीन्स इस केस में वेरिएबल्स के एक्स वाई जेड के वैल्यू फर्स्ट केस में डिस्प्ले करा है परसेंट डी के केसेस में बाय डिफॉल्ट साइंड रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट होगा. परसेंट यू के अकॉर्डिंग सेम वैल्यू डिस्प्ले होंगे अकॉर्डिंग टू अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइंड और अनसाइंड, वी आर डिस्कसिंग वन बाई वन. बिफोर दैट वी आर इनिशियलाइजिंग वेरिएबल वाई. हियर वाई इज इनिशियलाइज्ड बाय 65 और 65,535. एंड अगेन व्हाट इज द बाइनरी नंबर ऑफ 65,535 मीन्स 65,536 का बाइनरी क्या था, वन, रिमेनिंग टाइम जीरो. 65,000 इसके जस्ट प्रीवियस वैल्यू को अगर बाइनरी नंबर निकालना है तो करेंट बिट क्या होगा, जीरो, और रिमेनिंग बिट्स क्या होंगे, वन 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 वन. इन सिंपली इसका लॉजिक क्या है, सपोज डेट अगर आपके पास कोई नंबर है लाइक 7, व्हाट इज द बाइनरी नंबर ऑफ 7, बाइनरी नंबर ऑफ 7 इज 3 टाइम्स 1. व्हाट इज द बाइनरी नंबर ऑफ 8, 8 के केस में बाइनरी क्या है, फर्स्ट बिट 0, रिमेनिंग टाइम्स, सॉरी, बाइनरी नंबर ऑफ 8 इज 1, 3 टाइम्स 0, मीन्स 3 टाइम्स 0 मीन्स 65,536 का बाइनरी क्या था, वन, ऑल टाइम जीरो. इसके प्रीवियस वैल्यू का बाइनरी क्या हुआ, इसके इसमें 7 का बाइनरी क्या है,
all times 1, तो इसके previous number का binary, next number का binary क्या है 1, 3 times 0, तो इसके previous number क्या है 8 का previous value क्या है 7, और 7 की इसमें binary क्या है, means इसके जितने भी bits 0 है, हम सभी को put करेंगे, जब 1 तो इसके क्या बन जाएगा previous number का binary, simply sort tree. In that case, next one, 65535 के केस में total bits कितने हैं, 4 plus next 4 प्लस अगेन 4 प्लस 4, ये जीरो इसका पार्ट ही नहीं है, मींस कंसीडर कितने बिट्स होंगे, 16 बिट्स. तो चेक कर सकते हो इस केस में 65535 का भी बाइनरी नंबर क्या है, आल्सो 16 टाइम्स 1, मींस सेम एज -1, ओनली डिफरेंस क्या होगा 65535 में, जब माइनस जैसे 16 टाइम 1 को साइंड में रिप्रेजेंट करोगे, साइंड के केस में क्या आएगा -1, अनसाइंड के केस में क्या आएगा 65535. ये सिंपली मींस -1 और 65535 दोनों ही केसेस में बाइनरी वैल्यूज क्या है 16 टाइम्स 1. अगर आप 2 से डिवाइड करके भी चेक करो तब भी आपको सेम बाइनरी नंबर्स होगा. दिस वैल्यू असाइंड टू द वेरिएबल y all times 1, what is the binary number of -1 or binary number of 65535, both are having same binary numbers. Next one, z, z के respect में बात करें तो z के अंदर क्या असाइन कराया गया है 65536, this is the binary number of, sorry, what is the binary number of 65536. इस केस में बाइनरी नंबर डायरेक्टली निकालना पॉसिबल, 65536 के केस में क्या आएगा 1 रिमेनिंग टाइम्स 0, पुट ऑल बिट्स एज 0. लेकिन इस केस में कंसीडर करो काउंट करो टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितने हैं 17 बिट्स, लेकिन बाइनरी नंबर कितने बिट्स में स्टोर हो रहा है 16 बिट्स, मींस जेड के पास अवेलेबल बिट्स कितने हैं ओनली 16, और बाइनरी नंबर कैलकुलेट कितने बिट्स में हुआ है 17 बिट्स में. तो इस केस में ओनली बिगिनिंग 16 बिट्स कॉपी करना पॉसिबल, दिस वन इज कंसीडर्ड एज डिस्कार्डेड बिट्स. मींस जब असाइनमेंट करें तो असाइनमेंट कैसे होगा, राइट टू लेफ्ट 4 टाइम्स 0 इनसाइड जेड, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट अगेन 4 टाइम्स 0 इनसाइड जेड, नेक्स्ट वन अगेन 4 टाइम्स 0 अगेन 4 टाइम्स 0 लाइक दैट. मींस 1 के केस में बात करें तो 1 के केस में सिंपली डिस्कार्डेड, देयर इज नो बिट इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर 1, 1 इज अ लॉस्ट बिट. मींस टोटल बिट्स कितने इस केस में 16, रिक्वायर्ड बिट्स कितने डेटा को स्टोर करने के लिए 17 बिट्स, लेकिन z के पास अवेलेबल कितने बिट्स हैं 16, इसलिए ओनली 16 बिट डेटा राइट टू लेफ्ट सेव करना पॉसिबल, रिमेनिंग बिट्स कैसा है लॉस्ट इंफॉर्मेशन. इस केस में z के केस में बात करें तो z का सिंपली डेसिमल वैल्यू कैसे हो रहा है एग्जैक्टली 0, साइन बिट 0, डायरेक्टली नंबर के कैसे हो रहा है इस केस में 0. व्हाट अबाउट एक्स और वाई, एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में बात करें दोनों ही केसेस में वैल्यूज कैसे हैं, बाइनरी बिट्स कैसे हैं एग्जैक्टली सेम. अब इसका वैल्यू क्या आएगा, डिस्प्लेड आउटपुट डिपेंड्स अपॉन टाइप्स ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर. फर्स्ट केस में फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किए परसेंट डी. इन फर्स्ट केस सबसे पहले डिस्क्राइबिंग वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स के केस में क्या स्टोर है ऑल टाइम्स 1, ऑल टाइम्स 1 मीन्स अभी बाय डिफॉल्ट परसेंट डी के थ्रू डेटा के इस फॉर्म में डिस्प्ले हुआ साइंड और अनसाइंड, साइंड रिप्रेजेंटेशन, डिफॉल्ट टाइप इज साइंड. तो साइंड के अकॉर्डिंग रूल बताया था, साइंड के केस में चेक होगा साइंड बिट, साइंड बिट के केस में टू पॉसिबल केस हैं, आइदर साइंड बिट इज 0 और साइंड बिट इज 1. अगर साइंड बिट 1 है देन 0 देन बाइनरी 2, बाइनरी टू डेसिमल डायरेक्टली पॉसिबल है. अगर साइन बिट 1 है देन पहले बाइनरी का टूज कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करेंगे, टूज कॉम्प्लीमेंट के बाद जस्ट डेसिमल फॉलोड बाय माइनस साइन. परसेंट डी के केस में क्या है साइंड रिप्रेजेंटेशन, साइंड रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट बिट कंसीडर होगा साइन बिट, रिमेनिंग बिट्स आर डेटा बिट्स. इस केस में सबसे पहले रूल कौन सा फॉलो करें, बाइनरी टू डेसिमल के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकेंड रूल, सेकेंड रूल बिकॉज सिंपली साइन बिट क्या है 1, बाइनरी टू टूज कॉम्प्लीमेंट. सबसे पहले इसका टूज कॉम्प्लीमेंट रिक्वायर्ड होगा क्या आएगा ऑल टाइम 0, देन एड 1, 1 ऐड कराएं तो इस केस में क्या आएगा 0 प्लस 1 इज 1, डेसिमल वैल्यू क्या इसका ऑल्सो 1, रूल्स के अकॉर्डिंग साइन के अप्लाई करो माइनस, तो इस केस में वैल्यू क्या बनेगा -1. इन दैट केस सिमिलरली
in second case, in case of y, y के केस में फिजिकली क्या संख्या 65535, लेकिन बाइनरी नंबर क्या सेम है माइनस वन, और बोल सकते हो x केस में आसान क्या कराया गया फिजिकली माइनस वन, लेकिन इसका बाइनरी नंबर किसके इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट टू 65535। अब डिस्प्ले क्या हुआ माइनस वन और 65535 डिपेंड्स अपॉन फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। अगेन परसेंटेज क्या y के रिस्पेक्ट में चेक करें, y के केस में भी क्या 16 टाइम्स वन, अगर परसेंट डी के अकॉर्डिंग पहले टूज कॉम्प्लीमेंट रिक्वायर्ड हो तो टूज कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या है वंस, ऑल टाइम जीरो, देन वन ऐड कराओ तो अगेन क्या मिलेगा रिजल्ट इज वन, साइन कौन सा अप्लाई होगा माइनस साइन अकॉर्डिंग टू गिवन रूल। अगेन वाई के रिस्पेक्ट में फिजिकली 65535 आसान किया, लेकिन इस प्लेस पर रिप्लेस क्या हुआ मीनिंग क्या इसका ऑल्सो माइनस वन, जेड के केसेस में डायरेक्टली सिंपली क्या हो रहा है जीरो, तो इसलिए फर्स्ट प्रिंट टैप के थ्रू आउटपुट प्रिंट होगा जब माइनस वन एंड जीरो। This is the output printed by using first printf functions. Means y के रिस्पेक्ट में फिजिकली 65535 आसान किया था, लेकिन परसेंट डी के अकॉर्डिंग डिस्प्ले क्या हुआ माइनस वन। नेक्स्ट केस चेक करते हैं, सेकेंड केस में डेटा डिस्प्ले करा यूजिंग परसेंट यू, परसेंट यू स्टैंड फॉर अनसाइंड इंटीजर, मीन्स सेकेंड केस में सारे के सारे वैल्यू अनसाइंड फॉर्म में डिस्प्ले होंगे, इसलिए साइन बिट का कोई रूल ही अप्लाई नहीं हुआ, अनसाइंड के अकॉर्डिंग सभी केसेस में रूल कौन सा अप्लाई हुआ सिंपली, इस केस में साइन बिट चेक करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्टली अप्लाई करें बाइनरी टू डेसिमल विदाउट चेकिंग साइन बिट इन केस ऑफ अनसाइंड। फर्स्ट वन वैल्यू ऑफ x 16 टाइम्स वन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x हियर 16 टाइम्स वन, 16 टाइम वन के अकॉर्डिंग इस केस में रिप्रेजेंटेड एक्स का रिप्रेजेंटेशन किस में डिस्प्ले कराना है अनसाइंड, अनसाइंड के अकॉर्डिंग मैंने रूल बताया था अनसाइंड में कभी साइन बिट्स चेक नहीं होता, सिंपली डायरेक्टली जो भी बिट्स अवेलेबल हैं डायरेक्टली फॉलो करें बाइनरी टू डेसिमल रूल। तो बाइनरी टू डेसिमल ऑल टाइम 16 टाइम्स वन है, 16 टाइम वंस के केसेस में चेक करते हैं इसका डेसिमल वैल्यू क्या आएगा, व्हाट इज द डेसिमल वैल्यू 16 टाइम वन मीन्स इसके प्लेस पर क्या रहा 1 1 1 1 1 1 1 1 1 एड देम दीज ऑल वैल्यू, इन सभी वैल्यूज को ऐड करने पर रिजल्ट क्या मिलेगा आपको 65535। इसलिए एक्स का इक्विवेलेंट डेसिमल डेसिमल कन्वर्जन क्या है, टू कन्वर्जेंस थे इसके इसमें साइंड और अनसाइंड, साइंड के अकॉर्डिंग क्या था इसका कन्वर्जन माइनस वन, अनसाइंड के अकॉर्डिंग क्या आएगा 65535। सिमिलरली सेकेंड केस दोनों केस एग्जैक्टली सेम ही है, साइंड कन्वर्जन क्या है इसका माइनस वन, अनसाइंड कन्वर्जन क्या हो 65535 प्लस सेकेंड केस में क्या बोथ टाइम्स जीरो, इसलिए सेकेंड टाइम परसेंटिव के थ्रू दोनों वैल्यूज क्या डिस्प्ले होंगे एग्जैक्टली सेम 65535 एंड जीरो। दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ दैट प्रोग्राम।